नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये होम थिएटर है और इसका हम पूरा वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बैक भी खोल लिया है और ये हमारा पैनल है इसका फ्रंट पैनल। क्योंकि बहुत भाई मेरे को कमेंट में बोलते हैं कि सर, इसका जो वायरिंग है अगर जैसे टूट जाता है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये कैबिनेट भी है और कैबिनेट से मैंने पूरा बाहर निकाल लिया है, जिससे कि आपको एकदम साफ दिखाई दे जाए कि वायरिंग हम किस तरीके से इसकी जो है होगी। तो मैंने यहाँ 10 कोर वायर ले लिए, देखिए ये इसी से ही हमारा पूरा वायरिंग हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर जरा बैक की वायरिंग समझ लेते हैं। तो ये देखिए, बोर्ड लगा हुआ है हमारा 2030 का। ये बोर्ड इसमें कॉमन बोर्ड है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के वायर है वो यहाँ लगते हैं 12012, जो हमारे डाइबोर्ड साइड में लगते हैं। तो ये इसमें पहले से ही लगे हुए हैं। और जो हमारे जो यहाँ पर सेटेलाइट चलेगी, जो 4 स्पीकर चलेंगे, तो वहाँ पर इस तरीके से ये देखिए जम्फर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये येलो वाला जो है लेफ्ट ऑडियो, फिर ये रेड वाली ऑडियो, और फिर ये ब्लैक वाला जो है ये ग्राउंड पॉइंट है। तो यहाँ पर ये वाले जो वायर है देखिए यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए ग्राउंड यहाँ लगा हुआ है और ये दोनों हमारी लेफ्ट और राइट ऑडियो हो गई, जो स्पीकर हमारे छोटे वाले चलेंगे। अब यहाँ पर ये वायरिंग तो कंप्लीट हो गई। ये हमारे मेन लीड के वायर हो गए। एक मेन लीड का वायर यहाँ स्विच पे होता है और एक डायरेक्ट हमारा ट्रांसफार्मर पे होता है। और ये वाले जो यहाँ पर रेजिस्टेंस से जो वायर लगे हुए हैं, ये हमारे ऑक्स केबल है। ये देखिए ऑक्स केबल मैंने डायरेक्ट यहाँ लगा रखी है। और वैसे अगर आप चाहें तो ये आप जो है वॉल्यूम कंट्रोल के वायर पर भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको तो कर देते हैं साइड। ये आपने वायरिंग देख लिया। अब यहाँ पर ये जो पैनल है हमारा, ये इतना कम्प्लीट है क्योंकि जब वायरिंग टूट जाती है तो इतना कंप्लीट रहता है। तो यहाँ पर जो ये हमारा ब्लूटूथ किट है, इसकी लेफ्ट राइट और ग्राउंड जो है, यहाँ पर वॉल्यूम की देखिए पिन नंबर 1 पे जो दोनों लगी हुई हैं, ये लेफ्ट और राइट ऑडियो है। यानी कि जो लेफ्ट और राइट ऑडियो है वो लगी हुई है वॉल्यूम की पिन नंबर 1 पे। और जो लास्ट में लगी हुई है, लास्ट में ये दोनों पिन शॉर्ट है। दोनों पिन शॉर्टिंग करने के बाद जो है एक ग्राउंड पॉइंट यहाँ पर बेस पे भी गया है और ये सीधा हमारे कार्ड पे भी गया है। तो यानी कि यहाँ से एक जम्फर लग गया, अब ये कार्ड पे भी चला गया और हमारा जो है इस पे जो पैनल पे है वो वायरिंग से चला जाएगा। जब हम वायरिंग का ये 10 कोर लगाएंगे, सीधा यहाँ से यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर भी चला जाएगा। ये हमारा 5 वोल्ट है बीटी कार्ड, जो हमारा यहाँ एक LED पे लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये LED पे इसलिए लगा दिया वायर कि जब हम यहाँ से वायर उठा के बोर्ड तक ले जाएंगे तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ जाएगा कार्ड के अंदर, और LED भी हमारा ग्लो कर जाएगा 5 वोल्ट से, जिससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर पावर आ चुकी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 10 कोर लेते हैं। तो 10 कोर का हमारा देखिए इस तरीके से कलर है यहाँ पर, ये देखिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 2 वायर ले लेते हैं और ये दोनों वायर जो है हम एंटीने की बना देते हैं, जो हमारा यहाँ पर FM का एंटीना होता है, जो कार्ड पे यहाँ पर जो 4 जो हमारे सॉकेट होते हैं उसमें लास्ट वाला एंटीना वायर होता है। तो सबसे पहले मैं ये दोनों वायर लगा दूंगा। अभी मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ वायर, लगा के फिर आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये वाली जो दोनों वायर है मैंने यहाँ लगा दी, जहाँ पर FM का एंटीना लिखा होता है। देखिए जहाँ पर ANT लिखा हुआ होता है, ये दोनों वायर लग गई हमारी। अब ये वाली जो दोनों वायर है, ये मैंने दोनों जो ग्राउंड पॉइंट बना दूंगा, जो हमारे बोर्ड पे जाएगी। तो ये जो ग्राउंड पॉइंट है ये हम लगा देंगे, जो हमारा BT किट की जो ग्राउंड जा रहा है LED पे, वहाँ पर लगा देंगे। तो ये मैं लगा देता हूँ LED के पास। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, देखिए LED के पास, ये LED के पास लग गया हमारा ग्राउंड पॉइंट। अब यहाँ पर जो मेरे पास ये बचे हैं 3 वायर, अब इन तीनों को हम बना देते हैं बेस वॉल्यूम। ये बेस वॉल्यूम जो है हमारा, जो बेस कंट्रोल होता है, तो हम इसको ऐसे सीधा लगा देंगे। जो ये हमारा ग्रीन वाला वायर है, ये तो हम बना देते हैं नेगेटिव, जो हमारा पिन नंबर लास्ट की नेगेटिव है। फिर येलो लगा देते हैं और फिर हम यहाँ पर लगा देते हैं ऑरेंज वाला वायर। तो ये देखिए, ये हमारे तीनों वायर यहाँ पर लग गए, ये देखिए। और मैंने इसको नेगेटिव बना दिया। अब ये नेगेटिव कैसे काम करेगा, ये देखिए, पहले ये यहाँ वॉल्यूम पे गया हुआ है, वॉल्यूम से सीधा हमारा यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से इसे ग्राउंड प्रॉपर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने जो 2 वायर यहाँ पर देखिए LED पे लगाए हैं ग्राउंड पॉइंट, यहाँ से मिल जाएगा। तो दोनों साइड से ग्राउंड जा रहा है और चारों तरफ रहेगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, हमिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब यहाँ पर ये दो वायर बचे हैं, एक हमारा ये कोकोला वायर बचा हुआ है, एक रेड वायर, ये लगा देंगे हम वॉल्यूम के जो बीच वाली पिन है दोनों। ये देखिए ये वॉल्यूम की दोनों बीच वाली पिन है, यहाँ लगा देते हैं। ये देखिए ये वॉल्यूम की जो दोनों बीच वाली पिन होती है ये हमने देखी यहाँ लगा दी, ये कंप्लीट हो गई। अब बचा ये ब्लैक वाला वायर, ये ब्लैक वाला वायर हम लगाएंगे यहाँ पर। ये जो मैं कलर कोड आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादातर होम थिएटर में यही कलर कोड मिलेगा, तो यहाँ पर आपको होम थिएटर में से पैनल वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसी तरीके से वायरिंग करके लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही कलर मिलते हैं उसके अंदर। ब्लैक वाला जो है 5 वोल्ट बनाया जाता है और ये वाले दोनों ऑडियो होते हैं, ये हमारी बेस ऑडियो होती है। अब देखिए ये वायर हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ से, अब हमें लगाने हैं बोर्ड में वायर। तो इस वाले पैनल को अभी यहाँ साइड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस बोर्ड को रख लेते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से, तो आपको वायरिंग पूरा दिखाई देगा। मैं इस बोर्ड को जो है सीधा कर लेता हूँ इस तरीके से, ये मैंने बोर्ड रख लिया। अब देखिए यहाँ पर आपने वहाँ पर कलर कोड सीख लिए हैं, अब यहाँ पर करते हैं हम वायरिंग और बाद में मैं इसकी आपको टेस्टिंग भी दिखाऊंगा पूरी। अब देखिए ये जो काला वाला वायर है ये हमारा 5 वोल्ट था, तो जहाँ 7805 IC लगी हुई है वहाँ पर हमने ये वायर लगा दिया 5 वोल्ट पे। ये वाला वायर जो है हमारा ऑडियो था, तो ये दोनों हम यहाँ लगा देंगे, ये वॉल्यूम कंट्रोल के यहीं पर लगते हैं वायर, ये हमारे वॉल्यूम कंट्रोल के दोनों वायर लग गए देखिए। और ये वाले 3 वायर हमने बेस बनाए थे, जो बेस वॉल्यूम था हमारा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑरेंज वाला हमारा यहाँ रहेगा, फिर हमारा येल्लो आएगा और लास्ट वाला हमने ग्राउंड पॉइंट बनाया था। तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड जो है यहाँ पर देखिए पूरे में फैला हुआ ये ग्राउंड है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम पे पिन पे भी है ये और यहाँ पर भी है, तो ये हमने ग्राउंड लगा दिया यहाँ। अब ये देखिए बेस वॉल्यूम के जो हमारे यहाँ पर इसके वायर थे वो कंप्लीट हो गए। ये वाला हमने जो वायर है वहाँ पर ग्राउंड पॉइंट बनाया था, यानी कि जो कॉमन था यानी सब जगह जा रहा था, तो इसको हम यहाँ पर ग्राउंड पे ही लगा देंगे, ये हमने ग्राउंड पे लगा दिया देखिए ये हो गया। और ये वाला वायर हमने बनाया था FM का एंटीना, जो FM का एंटीना है, तो वो हम यहाँ पर खाली पॉइंट पे लगा देंगे। ये खाली पॉइंट पे इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी, ये खाली पॉइंट पे यहाँ पर कोई भी सर्किट नहीं है लगा हुआ, सिर्फ यहाँ पर प्रिंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, FM का जो एंटीना का वायर जो पीछे से आ रहा है ये देखिए, ये वाला जो वायर है ये वाला वायर हम यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे, तो ये FM का जो एंटीना का वायर है ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको जो है सोल्डर कर देता हूँ, तो ये हमारा हो गया FM का वायर। अगर कोई भाई इसमें FM चलाएगा तो इसमें स्कैनिंग जो है अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो देखिए ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई, अब इसमें बसते हैं हमारे बूफर के वायर, तो बूफर के वायर मैं लगा देता हूँ। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया, और बूफर मैंने अभी फिलहाल जो है टेस्टिंग के लिए ये वाला बूफर ले लिया है, ये रहा। तो इसको जो है हम यहाँ रख लेते हैं और इसके भी वायर जो है, तो बूफर के जो वायर है हमारे, अब ये वाली जो दोनों IC है ये हमारी सेटेलाइट की है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 वायर लगे हुए हैं, तो हमारा बूफर वायर ये होगा। तो बूफर की जो पिन नंबर हमारी जो 4 होगी यहाँ पर, जो पिन नंबर 4 होगी वो हमारी ऑडियो होती है, तो वो वाली वायर लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर, और जो ग्राउंड पॉइंट है वो लगेगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी जो पिन नंबर 4 है ये वाली, ये रही हमारी पिन नंबर 4, और यहाँ पर एक जम्फर लगा हुआ है, तो ये हो गए हमारे बूफर के वायर। ये बूफर के वायर कैसे हुए देखिए, पिन नंबर 4 से यहाँ प्रिंट आ रहा है, यहाँ से यहाँ जम्फर जा रहा है, सीधा यहाँ आ रहा है, और ये हो गया हमारा ग्राउंड जो हमारे बूफर का है, जो हमारे ट्रांसफार्मर का जो बीच वाला वायर है उस पे से होके आ रहा है ये ब्लैक वाला वायर। चाहे तो आप ट्रांसफार्मर के बीच वाली पिन पे भी जो बूफर का एक वायर है नेगेटिव वाला वो लगा सकते हैं, और अगर आपको यहाँ IC पे भी डायरेक्ट लगाना है तो 4 नंबर की पिन पे डायरेक्ट जो है आप लगा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे बूफर के वायर, अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो दोनों को पैनल को और मैं इस तरीके से रख लेता हूँ, ये देखिए ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, और अब मैं इसको आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब मैं इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा स्विच है जो ऑन ऑफ का, इसको मैं ऑन करता हूँ यहाँ से। ये देखिए मैंने ऑन करा, ये देखिए पावर आ गई है यहाँ पर, और ये देखिए बूफर हमारा चालू हो गया है, FM चल रहा है ये देखिए। तो यहाँ पर मैं कोई सॉन्ग आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, हमारा बूफर चालू हो गया दोस्तों।
यहाँ पर अभी मैंने सेटेलाइट नहीं लगाई है, हमारा बूफर चालू हो गया, तो आपने देखा कि कनेक्शन इसके बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एक बार आप यहाँ पर दोबारा नज़र मार सकते हैं सारे वायरों पर। ये एक बार मैं बंद कर देता हूँ, एक बार वायर को दोबारा देख सकते हैं आप सारे। ये देखिए ये सारे कलर कोड है, ये हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर के हो गए, ये हमारे बूफर के वायर हो गए, और इसको पैनल को एक बार मैं उल्टा कर देता हूँ। ये देखिए ये पैनल के वायर है, तो यहाँ पर हमारे पूरे वायरिंग कंप्लीट हो गई है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।